हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों आप लोगों ने इस भाभी को तो पहचान ही लिया होगा, जो कि कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर रातों रात इतनी वायरल हुई थी कि इन भाभी के बारे में सभी लोग जानना चाहते थे कि ये कौन है। दोस्तों ये वही भाभी है जो भागवत कथा में बैठकर इशारे कर रही थी, और इनका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत जमकर वायरल भी हुआ, और इनका वीडियो सोशल मीडिया पर अब डांस का वीडियो एक वायरल हो रहा है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना। दोस्तों ये भाभी हीरानंद भागवत कथा में बैठकर इशारे कर रही थी, तब इनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हुआ, और बताया जा रहा है कि उस कैमरे वाले के पीछे इनके पति भी वहीं पर खड़े हुए थे, और भागवत कथा में इनकी साथ भी गई हुई थी जो इनके पास में ही बैठी थी, और इनके पति इशारे कर रहे थे घर चलने के लिए, तब इन्होंने उनको भी इशारे में बोल दिया। और दोस्तों शिवानी कुमारी के घर ये उनसे मिलने के लिए गई हुई थी, और वहाँ पर इन्होंने उनके साथ में कुछ वीडियोस भी बनाए जो सोशल मीडिया खूब जमकर वायरल भी हुए, उन पर मिलियनों में व्यूज आए गए हैं और लोग भी इनके वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। दोस्तों इन भाभी ने उस भागवत कथा में भी यही साड़ी पहनी हुई थी जो कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। जब इनका भागवत कथा वाला वीडियो वायरल हो गया तब लोगों ने इनके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए, और इन्होंने और लोगों ने इनको खूब रोस्ट भी किया, इनके ऊपर खूब रोस्ट वीडियोस बनाए, इनके ऊपर फनी वीडियोस भी बनाई, और अब भाभी जी इंस्टाग्राम पर रील्स भी बनाने लगी। तो आप लोग देखिए इनकी कुछ रील्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और भाभी जी बहुत खूबसूरत भी है। इनके चेहरे की क्यूट स्माइल और चेहरे के एक्सप्रेशन से इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। चाहोगे तुम जैसा हो जाऊंगा। दोस्तों भाभी जी ने शिवानी कुमारी के साथ मिलकर बहुत सारे वीडियोस बनाए। दोस्तों भागवत कथा के बाद इन भाभी जी को माता निकल गई थी, जिसके कारण इनके चेहरे पर ये धब्बे पड़े हुए हैं, और इनकी फैमिली में सास ससुर और इनके पति और इनका एक छोटा सा बच्चा भी है जो कि 4 साल का है। दोस्तों आप लोगों को भाभी जी का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आप लोग भी इन भाभी जी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों आप लोगों को अगले वीडियो में भाभी जी की इंस्टाग्राम आईडी भी बताएंगे, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। तो चलो दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।